आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 19वां अध्याय वचन 1 से 19। जब हिजकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशया भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बच्चे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिया राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिया के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है, फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अरपाद का राजा और सपवेम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्र को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिया ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है।